मैं वापस आ गई हूं निशा। चिल्ला के रही हो? मेरे कमरे में क्या हुआ? जानवी, मैंने उसे देखा समर। I saw। तुम कैसी बातें कर रही थी? पागल हो गई हो? मैंने देखा उसे मुझे मारने की कोशिश कर। अच्छा अच्छा, calm down, calm down। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। ये समर यहाँ कैसे आ गया? निशा को तो डरा दिया, बट इसे कैसे हैंडल करूं? निशा, उठाकर मैंने डर के मारे उस मिरर पर फेंका था, वो मिरर टूट गया था, लेकिन अब वो मिरर बिल्कुल ठीक है। वो ठीक है क्योंकि ये सब जानवी कर रही है। वो यही गई है, she's here। निशा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, रिलैक्स। तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा और कुछ नहीं। नहीं समर, जानवी है, वो यहाँ है, यही गई है, मैंने देखा है उसे। निशा, कोई नहीं है यहाँ पे। इतने सालों बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर जो वहम है ना, वो बाहर आ रहा है और कुछ नहीं। ये मेरा वहम नहीं है। कुछ दिन पहले जब तुमने आदि को बार में देखा तो वो तुम्हारा वहम नहीं था, वो रियलिटी थी। और आज जब मैं कह रही हूँ कि मैंने जानवी को देखा तो तुम मान क्यों नहीं रहे हो? सोचो सफर, पहले तुमने आदि को देखा, आज मैंने जानवी को देखा। मैं तुमसे कह रही हूँ सफर, ये दोनों हमें एक साथ दिखे, जरूर इन दोनों में कोई कनेक्शन है, इन दोनों के पीछे जरूर कोई राज है। कोई कनेक्शन नहीं है ऋषा, कुछ नहीं है। वो आदि नहीं, अर्जुन है। अर्जुन, सारी इन्फॉर्मेशन निकाली ना हम उसके बारे में, और तुम अभी उस बात को लेकर बैठी हो। तूने एक साथ क्यों दिखे? इसके पीछे कोई बात है समर, मैं कह रही हूँ कुछ तो है और हमें कुछ करना होगा। You're right, निशा। है ना? कुछ तो करना होगा हमें इस बारे में। एक काम करते हैं, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि तुम पूरी पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग तो चल ही नहीं रहा। मुझे लगता है उस फोन कॉल ने तुम्हें पूरा डरा दिया है। समर, ये मेरी इंस्टिंक्ट है और मेरी इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं हो सकती। एक काम करो, ये सरदर्द की दवाई है, ये ले लो, ये खा लो और इतना सोचना बंद करो। इस सालों में क्या तुमने मुझे कभी समझा है? जो आज मुझे समझोगे? Get out and leave me alone. सही कहा तुमने निशा, मैं तुम्हें समझ पाया या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और हौसले को हमेशा सराहा है मैंने। इतनी कमजोर मत पड़ जाओ, बहुत स्ट्रांग हो तुम। अपने दिमाग को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि खुद कमजोर पड़ जाओ। Just leave.
अब गेम मेरा है निशा और हार तुम्हारी। आज तक जो कुछ तुमने किया है ना उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ऑल द बेस्ट। हाय जिनी, थैंक गॉड आपने फोन उठा लिया। आपको पता है मुझे बहुत चिंता हो रही थी। आपको किसी ने देखा तो नहीं ना? ओह गॉड रिलैक्स माय लव, कुछ नहीं हुआ है। किसी ने मुझे नहीं देखा है ना, हमारा प्लान भी सक्सेसफुल हो गया है। सो यू नो व्हाट, अब हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैं केक लेके आ रही हूँ और फिर घर आके सब कुछ बताती हूँ। ओके, लेकिन केक की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स जरूरत है, कहाँ ना सेलिब्रेट करना है। You know what? तुम्हें ना लाइफ को जीना नहीं आता है। I'll help you do that, okay? एक काम करती हूँ, कल तुम्हें मैं बहुत ही कूल से क्लब में लेके जाऊंगी and then we'll chill. ठीक है, अब पहले आप घर आ जाइए, उसके बाद बात कर लेंगे। Bye. क्या हुआ? मैडम वो सामने देखिए। ये तो अर्जुन है, ये क्या कर रहा है? अर्जुन, हेलो अर्जुन, यू डेफ, क्या कर रहे हो? लगता है नींद में चलने की बीमारी है। गॉड, हेलो स्टॉप, सुनो इन्हें गाड़ी में बिठाओ जल्दी। मैडम गहरी जान पहचान लगती है आपकी। तुम चुप करो और गाड़ी चलाओ। शायद इन्हें कोई गहरा सदमा लगा है जिसकी वजह से बेहोश हुए हैं। इन्हें आराम करने दीजिए, बस बीच में उठाने की कोशिश मत करिएगा, खुद ब खुद होश आ जाएगा थोड़ी देर में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। काकी माँ, ये आपका आदि नहीं है। दादी, ये मेरे पापा है, आपके आदित्य। तभी तो किस्मत हमें बार बार इनसे मिलवाती। तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं कह रही हूं ना, ये आदि नहीं है।
आदित्य की शक्ल के अलावा और कुछ एक जैसा नहीं। प्लीज बी प्रैक्टिकल। एक घटिया इंसान है जो सिर्फ झूठ बोलता है, लोगों को परेशान करता है, दैट्स इट। सो प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। ये मेरी गाड़ी के सामने आया सिर्फ एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक कुछ नहीं होता जिया, ये सब साइंस है, ऊपर वाले के इशारे, और हमें ये सब समझना होगा। एक बात बताओ, अगर मैं प्रैक्टिकल होती तो आप मुझे मिलती? नहीं ना, जो चीज एक बार हुई जरूरी नहीं है वो दोबारा। अगर तुम इन सबको साइंस मानोगी ना तो तुम्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को और कोई भी प्रॉब्लम। ऑलरेडी आप लोग बहुत कुछ सह चुके, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या ये मेरा आदि है? क्या जो जिया कह रही है वो सही? ये ऊपर वाले का संकेत तो नहीं कि ये मेरा आदि है? स्टुपिड है, इडियट है, इरिटेटिंग है, झूठा है और चीटर है। आदि जैसी सिर्फ शक्ल है और कुछ भी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों लगता है कि मेरा कुछ कनेक्शन है इसके साथ। सॉरी, मैं चाय नहीं पीता, अच्छे साथ ब्लैक कॉफी। आदि को ब्लैक कॉफी पसंद थी, शायद इसे भी देख के सब कुछ याद आ जाए। कहाँ आ गया मैं? इतनी भी नहीं पी थी रात को मैंने। शर्म नहीं आती? मैंने आने से मना कर दिया तो किडनैप कर लिया मुझे? लंदन से किडनैपिंग का डिप्लोमा लिया क्या? देखो तो मैं चुकर से। अरे तुम नीचे करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। नहीं सुनूंगा, पहले बताओ मैं यहाँ आया कैसे। यू नो व्हाट, तुमसे बात करना बेकार है, ये लो पियो। अगर इसने ये ब्लैक कॉफी पी ली तो शायद इसे कुछ याद आ जाए। यही ब्लैक कॉफी, आई थॉट तुम्हें पसंद होगी। सर पे मारू मैं अपने? सुबह सुबह वैसे ही मुंह कड़वा होता है, और कड़वा क्यों करूं मैं? मैं नहीं पीता है बकवास। ओ गुलाब की गोली डाली होगी इसमें। What? नहीं, जहर तो मिला ही दिया होगा। हाँ मिला है। अगर तुम चुप नहीं होगे ना तो अपने हाथ से जहर पिलाऊंगी। चुप नहीं करूंगा तो आदमी को मार दोगी तुम? नीचे करो। नो व्हाट, ये डांडिया नहीं है, लग जाएगी। यू नो व्हाट, तुम बहुत इरिटेटिंग हो। अच्छा एक काम कर, मेथी तुम ये हरी सब्जियां खाओ। यूनिक लड़का मैं। यूनिक नहीं, तुम
बाहर तो फली होती है, मैं इंजीनियर हूँ समझी? इंजीनियर? मैं एनआरआई हूँ, तुम्हें एनआरआई की फुल फॉर्म भी पता? अरे इतना लड़की हमेशा रोती रहती है और कुछ काम नहीं आता। नाम तुम अपने मुँह से मत लो, ना ही तुम आदि हो और ना ही उसका नाम तुम्हारे मुँह से अच्छा लगता है। पापा बस करो। कौन पापा? मैं कोई पापा पूपा नहीं हूं। पापा लगता हूं क्या मैं? क्या पगलेट हो क्या है? ओह, किसने सिखाया ना? इसकी बातों में मैं जब पगलेट है ये? How dare you talk to me like that? चुप करो तुम दोनों। काकी माई ये बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना चुप करो। माताजी आपको पते की बात बता रहा हूँ, ये पगलेट है, इसके चक्कर में बताना आप भी पगलो यहाँ से। अभी जा रहा हूँ मैं। दोबारा किडनैप विडनैप किया ना तुम्हारा कमिश्नर भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें। हेलो, तुम क्या कमिश्नर की बात कर रहे हो? मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, पहले तुम्हारे ऊपर कितने सारे केसेस हैं। अबे ठोक देना, मैं भी ठोक दूंगा किडनैपिंग का केस। अभी जा रहा हूँ मैं, नौकरी का पहला दिन है, दिमाग खराब कर दिया, अब पगलेटों का परिवार है। लेकिन पापा, पापा सुनो, देख लिया ये है आपका आदि, लेट हिम गो। मैं हूँ ना, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन जिया वो मेरे पापा ही है। ये तुम्हारे पापा थे? आदि कभी किसी से इस तरह मिसबिहेव करता? नेवर। छोड़ो ये सब, अब हम ये सोचते हैं कि निशा के साथ आगे क्या करना है। तो नहीं आई फिर से?